गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं जा रही हूँ आलू की पूड़ी बनाने, तो देखिए आप लोग भी और पता ना कैसी बनी। तो ये मैंने आलू पहले बॉयल कर लिए हैं और इसके बाद ये मैंने हरी मिर्च ले लिया और लहसुन 3-4 कली, ये 5 हैं। और आलू मैंने बॉयल कर ही लिए थे, तो चलिए मैं इनको मैश कर लेती हूँ। तो ये देखिए, आपको थोड़ा बारीक बारीक मैश कर लेना है और इसके बाद हल्के से ठंडे हो जाए, फिर इसके बाद इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो ये देखिए, मैं कुछ इस तरीके से इनको मैश कर रही हूँ। और ये देखिए, जो मैंने धनिया पत्ती और हरी मिर्च काट के रखा था वो डाल दिया है। और इसके बाद में इसमें मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और नमक ये सब डालूंगी। ये देखिए, और 1 चम्मच जीरा, जीरा ज़रूर डालो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और इस तरीके से बनाओगे तो आपको बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए, और इसके बाद जो लहसुन की कलियाँ हैं उनको अच्छे से उसमें कलवट्टा में और वो करके कूट के फिर डालना। तो ये देखिए मैंने कर दिया, और इसके बाद मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी कुछ इस तरीके से, और अच्छे से मिला लेना और कोई भी गांठ नहीं रहे, नहीं तो आपकी कचौड़ी फट जाएंगी। तो ये देखिए, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसको, और इसके बाद पिट्ठी बन के हो जाएगी मेरी रेडी। तो ये देखिए, पिट्ठी मेरी बन चुकी है, और इसके बाद मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल दूँगी। तो ये देखिए, इसमें रख देती हूँ मैं। तो ये देखिए, पिट्ठी मेरी बन गई। तो तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, आटे में मैंने क्या क्या डाला हुआ है, नमक और धनिया पत्ती, अजवाइन और थोड़ा सा मोहन, तो ये डाला हुआ है। और अच्छे से इसको मिक्स करके फिर इसका अच्छा सा एक डो लगाना है हमें। और आपको धीरे धीरे पानी डालना है, एक साथ सारा पानी नहीं डालना है, नहीं तो पतला हो जाएगा आपका आटा, पता नहीं चलेगा उसमें। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही लगा रही हूँ इस वजह से। और एकदम सॉफ्ट वाला आटा लगाना है, और टाइट तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, नहीं तो आपकी कचौड़ी फट जाएंगी और बनेंगी भी नहीं। तो एकदम पतला आटा लगाना है। तो ये देखिएगा, इसको इस तरीके से हो गया मेरा आटा, और इसको मैं अभी रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक मैं हलवा बना लेती हूँ, और हलवा भी मैंने बना ही लिया था। तो ये देखिए, मैं इसको ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी है वो डाल दे रही हूँ ऊपर से। और हलवा की रेसिपी नहीं शेयर की, क्योंकि मैंने हलवा एक बार और भी बताया था रेसिपी में। तो ये देखिए, तब तक मेरा हलवा बना, तब तक मेरा वो आटा रेस्ट कर लेगा, तब कुछ के बाद फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। और एकदम यम्मी दिख रहा है ना हलवा, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आलू की पूड़ी। तो ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके से मैं बना ली आलू की पूड़ी भर के अच्छे से। तो ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ना, और मैं इसको सेक लूँगी अच्छे से। और इस तरीके से बनाओगे ना बहुत अच्छी लगती है, धनिया पत्ती डाल के एकदम ग्रीन सब उसमें फ्लेवर आता है ना, बहुत दिखने में बहुत अच्छी लगती है। और खाने का तो छोड़ ही दो, बस बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो ऐसे ही मैं दूसरी भी बना लूँगी।
तो ये देखिए गाइस, ये मेरी बनके हो गई रेडी, ये वाली भी। और इसके बाद मेरा जो बेटा है वो पूड़ी मांग रहा था, वो मिर्ची वाली चीज़ कम खाता है, तो उसके लिए मैं पूड़ी बना देती हूँ पहले। ये ना मैंने थोड़ी सी बड़ी बना दी है उसकी वजह से, क्योंकि नहीं तो वो एक ही खाएगा तो फिर वो दूसरी भी नहीं लेता इस वजह से। और एक छोटे वाले बाबू के लिए, तो ये देखिए गैस पूरी कितनी अच्छी फूल चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ना। चलो तो खाना मेरा बन गया और अब मैं खाना लगा लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी यम्मी दिख रही है ना पूरी फूली। तो ये देखिए खाना मेरा लग चुका है, वो आलू की पूरी और ये हलवा और थोड़ा सा अचार ले लिया और थोड़ी सी सॉस। तो आज का खाना हमारा ये है, और बताना कैसा लगा आप लोगों को। और आलू की पूरी ना मतलब बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही यम्मी। अगर आप लोग बनाओ और खाओ, सर्दी में तो इन चीज़ों का खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और वैसे भी ना मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये देखिए कितनी अम्मी देख रही हैं ये देखिए। और हलवा भी बन चुका, बना लिया था, और आलू की पूरी। तो आज का खाना मेरा यही है। और बताना आप सबको कैसा लगा मेरा खाना, पसंद आया तो लाइक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी मैं आप सबके लिए लाती रहूँगी। और तो चलिए गाइस लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि मेरा खाना कैसा बना। और आप लोग बना सकते हो आसानी तरीके से और खा सकते हो, अपने परिवार वालों को भी खिला सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 गाइस।